हमने प्राइम कर लिया है, अब हम करेंगे कलर करेक्ट, क्योंकि हमारे थोबड़े पे बहुत ऐसे ऐसी जगह है जहाँ पे कलर ऐसे बेरंग होके बैठे हैं कि आप क्या ही बोलोगे। तो उसके लिए हम ये वाला पैलेट लेंगे, कवर रेंजर्स पैलेट इज द नंबर टू पैलेट। नंबर वन में नंबर टू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये वाला साइड जो है ये सेम है नंबर वन और नंबर टू के लिए, ये वाला जो साइड है ये डिफरेंट है। तो आप जब भी ये पैलेट्स खरीदोगे तो आप इसको छोड़ के इस पे ध्यान देना कि आपको क्या कौन सा चाहिए। फेयर टू मीडियम हो तो आप ये पैलेट पे जा सकते हो नंबर टू पे। अगर आप मीडियम टू डार्क या फिर यू नो अलग अलग डीप स्किन टोन्स के अगर हो तो फिर यू शुड गो विथ वन, दैट्स व्हाट आई हैव सीन। अच्छा, सो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, तो आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू गो विथ ऑरेंज एंड पीच मिक्स और मे बी ओनली पीच, क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे डार्क सर्कल्स हैं। भगवान ने मुझे एकदम फुल मुफ्त में दिया है डार्क सर्कल्स फ्लैट ब्रश, एंड आई टेक दिस फर्स्ट। वाई इज इट सो आई हर्ड इट्स नॉट दैट ड्राई बट दिस फील्स ड्राई। ओके, दिस इज काइंड ऑफ नॉट द कलर दैट आई वॉन्ट, सो आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज इज वेल, and I'm going to, okay, let me take the orange first. अब मेरे नाक के पास ना बहुत ज्यादा रेड है, तो रेडनेस को कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा ग्रीन ले रही हूँ कलर करेक्टर, और ग्रीन को लगा रही हूँ क्योंकि रेडनेस ग्रीन ही कलर करेक्ट कर सकता है, ऑरेंज नहीं। ऑरेंज सिर्फ डार्कनेस, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्कार मार्क्स जो कि रेड नहीं है वो ही कलर करेक्ट करेगा, तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। मेरा यहाँ नोज पे बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो मैं ये रेडनेस को ग्रीन से ही कलर करेक्ट करूँगी। ओके, रिमेंबर दैट। रेड कलर का पिंपल है, आपको पिंपल हुआ है रिसेंटली और वो रेड हो रखा है, तो आप उस पर ऑरेंज ना लगाओ, उस पर आप लगाओगे ग्रीन, ठीक है। अब हम इसको न्यूट्रल करेंगे एक न्यूट्रल कलर के साथ। हम न्यूट्रल कलर के लिए ये वाला ब्रश यूज कर लेंगे जो पहले यूज किया था कंसीलर के लिए, ये वाला कलर यूज करता है, ठीक है, ये वाला या ये वाला कर लेते हैं। ब्रश से उठाओ, हाँ ये वाला बेटर है, और लगाना शुरू कर दो, थोपना शुरू कर दो। ग्रीन के ऊपर भी लगाना, क्योंकि ग्रीन को भी हमें न्यूट्रलाइज करना है, मैं बंदर नहीं दिखना। ये कलर करेक्टिंग पैलेट बहुत ज़्यादा सही है, स्पेशली अगर आप ट्रैवलिंग को मद्देनजर रखते हुए अगर ये खरीदते हो। वाह, इतना शुद्ध हिंदी मैंने बोल दिया, मद्देनजर रखते हुए, इतना हिंदी मैंने जिंदगी में नहीं बोला। सबसे मज़ा आता था किसी को ब्रीफ जब करना है तो हम बाई डिफॉल्ट इंग्लिश में ही ज़्यादातर करते थे, पर जो प्रेगनेंट लेडीज़ होती थी उनको ज़्यादातर हमें हिंदी में करना पड़ता। अब हम इसको ले लेते हैं, ओके okay? अब देख रहे हो, मुझे एक्चुअली में इसके बाद ना कोई फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है, पता नहीं मैं इसके बाद फाउंडेशन लगाऊं कि ना लगाऊं, लगाना तो पड़ेगा वैसे तो है, पर दिस करेक्टर पैलेट हैज़ एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशन। ये प्रोडक्ट अगर डेली फॉरएवर 52 में खरीदोगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500-600 समथिंग, उससे खरीद रहे हो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, मतलब उस पैसों में आपको ये पैलेट 5-6 पीसेस मिल जाएंगे, वो इतना महंगा है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी विथ हाउ इट लुक्स। Can you see? Can you spot my under eye bags? Can you spot the redness near my nose that I had earlier? Can you spot the marks that I had here? The unevenness, the color discoloration and stuff, like the pigmentation. Fir thode thode scars the, marks the, pimples ke. Can you spot anything? And it perfectly neutralized to my original skin color. यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाया है, this is, यहाँ पे moisturizer तक नहीं है, ठीक है, और ये कलर से ये कलर एकदम मैच कर रहा है, इट इज एन अमेजिंग पैलेट, इज 100 out of 10। प्लीज अगर किसी को अपना नया वैनिटी बनाना है सस्ते में, खुद के लिए, प्रोफेशनल के लिए तो हो सकता है पर खुद के लिए, डोंट फॉरगेट टू एड दिस थिंग इन योर कार्ट, प्लीज हैव दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। मार्स, you've done an excellent job making this palette, you've nailed it. I cannot, I mean I am happy, more than happy to just leave
the way it is right now. I have just color corrected it and then I have neutralized it. This palette has done everything. I feel like I don't even need concealer after this. Do you think, or is it just me who's speaking? And by the way, Mars is not even paying me for this video. They don't even know probably that I'd exist. Okay, so